नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं दीपिका सिंह। शिवपुरी से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की दबंगई ने टूल पकड़ लिया है। एफआईआर पड़े हैं जूनियर डॉक्टर्स। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में कामकाज इस वक्त ठप हो चुका है। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के ओपीडी भी बंद हो गई है। आज प्रदेश व्यापी हड़ताल का भी कहीं ना कहीं डॉक्टर ऐलान कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी से, जहां प्रदेश व्यापी हड़ताल का आज डॉक्टर ऐलान कर सकते हैं। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की दबंगई ने टूल पकड़ लिया है। डॉक्टर्स खफा हो गए हैं। एफआईआर पर जूनियर डॉक्टर्स अब अड़ गए हैं। इधर मेडिकल कॉलेजेस में भी जमकर हंगामा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ओपीडी भी बंद कर दी गई है। किसी तरह का कोई इलाज नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर डॉक्टरों का ये कहना है। आज प्रदेश व्यापी हड़ताल है, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब मेडिकल कॉलेज में कामकाज ठप हो गया, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बंद हो गई। वो एफआईआर की मांग कर रहे थे विधायक के खिलाफ, एफआईआर और चार अन्य लोग। तो प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हमने एफआईआर के लिए कहा। नहीं, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मतलब पूरे एविडेंस कलेक्ट हो जाए उसके बाद एफआईआर दर्ज। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय राज इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अजय, देखिए पूरा मामला जरा हमारे तमाम दर्शकों को तफसील से समझाइए। आखिरकार विधायक रघुवंशी ने ऐसा क्या कहा था कि जूनियर डॉक्टर एफआईआर पड़ गए हैं? कि ये दो दिन पूर्व का मामला है। दो दिन पूर्व मध्य रात्रि में किसी रिश्तेदार को देखने के चक्कर में मेडिकल कॉलेज में गए, जिस समय जो ड्यूटी पर जूनियर डॉक्टर मौजूद था, उसके यार ने कि उसके साथ गाली गलौज, उसका कॉलर पकड़ा, उसके साथ मारपीट की विधायक वीरेंद्र रघुवंशी एवं उसके पीए ने। उसके बाद से ही जूनियर डॉक्टर लगातार एफआईआर की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। दीपिका जी, तो अभी स्थिति क्या बनी हुई है? चूंकि ओपीडी भी बंद कर दी गई है, जाहिर सी बात है जो मरीज हैं, जो उनके परिजन हैं, वो बेहद परेशान होंगे। क्या कोई बीच का रास्ता अभी तक निकालने की कोशिश की गई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल दिन भर लगभग जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे रहे। 10 मिनट में एफआईआर हो रही है, 5 मिनट में एफआईआर हो रही है, इस तरीके के आश्वासन लगातार मिलते रहे। कल विधायक रघुवंशी जी द्वारा 3 बजे माफी की बात भी सामने आई, और माफी के लिए वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे भी थे, लेकिन माफी में एक्शन के रिएक्शन शब्द का इस्तेमाल करने के कारण वो माफी को जूनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स द्वारा माना नहीं गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक शब्द और, उन्होंने सुबह एक बयान जारी कर दिया था कि मेडिकल कॉलेज ने लाशों के ढेर, कोरोना काल में लाशों का ढेर लग गया। इस शब्द को लेके भी जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स दोनों में ही विरोध था, इसलिए वो माफी स्वीकार नहीं की गई। फिर भी वो एफआईआर की मांग पर लगातार अड़े रहे। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए।